Okay guys, good. Hello friends, good evening to all of you. कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने आया हूं। और आप सबको मालूम है कि 2020 का पेपर, जेल वार्डन का पेपर आ गया है। 19 तारीख और 20 तारीख को पेपर होने वाला है और लोगों की शिकायत है कि जो उनका सेंटर है वो मन चाहे जगह पर भेज दिया गया है। कोई आगरा है, कोई कानपुर है, कोई इलाहाबाद है, कोई रहने वाला कहीं का है लेकिन सेंटर कहीं और चला गया है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? सेंटर बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है? लोग बहुत चिंता में हैं कि सर, क्योंकि ये देखो बहुत पुराने दिनों से पेंडिंग थी, 2016 की वैकेंसी है, बच्चों ने भर के भूल गए थे, तैयारी किए, जो भी तैयारी की है वो सब खत्म हो गया, लॉकडाउन अलग आ गया, कोरोना अलग आ गया, भूल गए थे। तब तक बीच में सरकार ने क्या किया? सरकार ने वैकेंसी निकाल दी, एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब जब एडमिट कार्ड सरकार ने जारी कर दिया तो अब सरकार, अब लोग सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें, तैयारी है नहीं, फिर कैसे एग्जाम दे। तो कितने नंबर पे क्या हो सकता है आपका सिलेक्शन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग, इसके लिए बड़ा बवाल चल रहा है बच्चों के अंदर कि पहले तो बोला गया कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उसके बाद जब बच्चों ने कहा कि जब एडमिट कार्ड आया तो सरकार ने कही कि नहीं नहीं हम भूल गए थे नेगेटिव मार्क कहना, नेगेटिव मार्क है। और नेगेटिव मार्क है कितना? 1/4, मतलब 25%। तो भैया इससे कैसे डील करेंगे? तो जाहिर सी बात है, सरकार तो कह दी अगर नेगेटिव मार्किंग है तो है, तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग है। तो तैयारी कैसे करेंगे हम लोग? एक बार जितने भी लोग अभी तक आए नहीं, जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग, ठीक है? तो बात करेंगे इन सब पे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, मेरी क्वालिफिकेशन आपको दिख रही होगी, बीटेक एंड एमटेक है। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है? और दूसरी चीज, आप टीचिंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं, 10 इयर्स प्लस में टीचिंग अनुभव हो चुका है। और इसी अनुभव से मैं आपको आज बताऊंगा कि जेल वार्डन का पेपर कैसा आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, दूसरी चीज सेंटर का क्या करें, तीसरी चीज आपको यह बताएं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से कितने नंबर के पेपर आएंगे, तो हमें पेपर करना कैसे, इन सारे बारों में, सारी चीजों पे आपको जानकारी दी जाएगी। क्या क्या बात करेंगे यूपी जेल वार्डन 2020 को लेके, एग्जाम सेंटर का हो सकता है बदलाव, बिल्कुल ये ताजा खबर। अगर आप अपने एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच सकते या कोई समस्या है, ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेनें चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, अब ला दिया गया है, इसके पीछे की साजिश क्या है सरकार की? कितने अंकों पर हो सकता है आपका सिलेक्शन? आपके लिए सबसे जोरदार टॉपिक कि सिलेक्शन, हम कितने नंबर पा जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम बन जाएंगे फायरमैन, घुड़सवार या जेल वार्डन, कैसे बनेंगे? और पेपर हल करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अभी तक फॉरेस्ट का पेपर हुआ नहीं है और अभी कोई प्रीवियस ईयर पेपर हमें मिल नहीं रहा है, तो इसका पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, कैसे, किस पेपर को हल कर ले तो हमारा ये काम हो जाएगा, उन्हीं सब पे आज हम एक छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं। बहुत जरूरी है, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसके पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नई ताजा खबर लेके आऊं तो आप अच्छे से उसे देख पाए, पढ़ पाए, ठीक है? चलिए बात करते हैं सिलेबस 2020 की। तो आप सबको मालूम है क्या क्या नंबर आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है। मैथ 20 नंबर की आएगी, रीजनिंग 55 नंबर की आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज रीजनिंग है, जो पढ़ाएगा ये कौन? मैं। GS 22, 10 और 6। और ये टॉपिक मैं लेके आपको कहाँ मिलता हूँ, हमेशा बताया है मैंने, अनअकैडमी के स्पेशल और प्लस पे मैं ये चीजें कवर करवाता हूँ। अब बात करते हैं हिंदी, हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी को छोड़ नहीं सकते, 37 नंबर। और नौकरी यूपी में करोगे, हिंदी नहीं करोगे तो मतलब क्या है फिर? 37 नंबर की हिंदी। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150 नंबर के सवाल। टाइम कितना है? 202 घंटे। और समय कितना है? टाइम कितना है? 2 घंटे। और समय कितना है? नंबर कितने है? कुल 300 नंबर। एक सवाल 2 नंबर का आने वाला है। अब ये सारी जानकारी आपको देना है कि एग्जाम से
सेंटर का बदलाव कैसे करें, नेगेटिव मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने नंबर अगर मैं पा जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरी चीज पेपर को आसानी से हल कैसे करें और कैसे हम बन जाएं जेल वार्डन, ठीक है, इन्हीं सब पे आपको आज चर्चा करेंगे बेटा। लेकिन उसके पहले ही तो जान लो कि आपके पेपर में आएगा क्या क्या, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, हिंदी आएगी, और यही कोई भी राजस्थानी आप पेपर देते हो तो यही आता है, बस लेवल ऊपर नीचे होता है। तो कैसा लेवल होगा जेल वार्डन का, कैसा होगा फायरमैन, इन सब का पेपर का, उन्हीं पे बात करेंगे आज हम, चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीज एग्जाम सेंटर का बदलाव। तो मेरे बच्चों जैसा कि आपको मालूम है सरकार ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और एडमिट कार्ड आ गया है सबका, और एडमिट कार्ड से जो जानकारी मिली है कि लोगों का जो सेंटर है वो रैंडम भेज दिया गया है। लखनऊ के लोग आगरा जा रहे हैं, आगरा के लोग कानपुर जा रहे हैं, इस तरीके से रैंडम सेंटर भेजा गया है। बवाल इस बात पे मचा है कि कैसे जाएं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कुछ विशेष ट्रेनें ही चल रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, लोग बचना चाह रहे हैं दूर जाने से, लोग बचना चाह रहे हैं सफर करने से, लोग बचना चाह रहे हैं एक दूसरे से मिलने से, लेकिन इसी बीच में उनका पेपर भी लग गया है और पेपर का सेंटर भी ऐसी ऐसी जगहों पे जाके चला गया है जहां पे उनको जाना ही पड़ेगा। अब दूर सेंटर होने से पहला नुकसान कि आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, अगर आपके शहर में सेंटर होता है तो फायदा कि आप रात में भी पढ़ाई करके सुबह फ्रेश वहां पे पहुंच सकते हैं, आपको सेंटर की जानकारी होती है, आपको जगह की जानकारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पेपर में वो जो सेंटर गया है वो दूर तलक गया है, और बात दूर गई है तो बेटा शोर तो मचाएगी, तो बच्चों ने विद्रोह कर दिया इस बात को लेके, बच्चे विरोध में आ गए कि यार सेंटर इतना दूर जाने का क्या मतलब था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिंक शेयर किया है, आप जाइएगा यूपी गवर्नमेंट के उस पे वेबसाइट पर, वहां पे एक लिंक शेयर किया है और वहां पर उसने कहा है कि जिसको भी अपने सेंटर से लेके प्रॉब्लम है और वो अपना सेंटर चेंज करवाना चाहता है वो इस लिंक के माध्यम से हमें बताए और इस पे मेल करे, हम लोग उसका सेंटर के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप एग्जाम सेंटर अपना नहीं पहुंच पा रहे हो, मुश्किल में है, नहीं जाना चाहते हो या जाना मुश्किल है, नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई और प्रॉब्लम है, जैसा भी है, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट के लिंक पे जाइए, उस पे मेल करिए, उनसे बात करिए और हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर क्या हो जाए, बदल दिया जाए। तो ये प्रमुख जानकारी है आपको सेंटर को लेकर। और बाकी अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपका सेंटर वहां गया है तो भैया सही समय पर पहुंचे वहां और एग्जाम के कम एक घंटा डेढ़ घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए। जब आप एक घंटा डेढ़ घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो माइंड फ्रेश माइंड से आप पेपर देने बैठ पाएंगे। अगर आप सेंटर पे पहुंचे रहे हैं पेपर के टाइम पे तो पहले तो आपको इसी बात की जल्दी रहती है कि सही से हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कहीं हम लेट ना हो जाए, लेट हो गए तो कहीं माइंड एकदम जल्दी जल्दी में होता है तो एकदम थक जाता है या दिमाग उसी में लगा रहता है तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। पेपर नहीं कर पाएंगे तो इतनी दूर की जर्नी का कोई मतलब नहीं है, फिर बेकार है जर्नी। तो इसलिए अगर आप जा ही रहे हो, दूर आपको जाना है तो एक दिन पहले निकलिए सेंटर के, सेंटर पे शहर में कम से कम उसके 6-7 घंटे पहले आप पहुंच जाइए उस शहर में, और सेंटर पे 1-2 घंटा पहले पहुंच के सुकून से पेपर दीजिए। तो ये है आपका एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है पेपर की तैयारी, पेपर की कैसे करें तैयारी। भैया देखो पेपर की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके पास जीएस आना है, आपके पास मैथ आनी है, आपके एग्जाम में रीजनिंग आनी है और आपके एग्जाम में हिंदी आनी है, ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट बात। जीएस में आपका हिस्ट्री आना है, ज्योग्राफी आना है, करंट अफेयर आना है, पॉलिटी आनी है और यूपी स्पेशल आना है, ये सारी चीजें आपके जीएस में आएगी। अब बात ये है, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले, जाके उस वीडियो को देखिए, मैंने बताया है कि ये चीजें कहां से आप पढ़ सकते हैं, इसी चैनल पे यूट्यूब पे ही हमारी टीम ने पूरा वीडियो डाला है, हमारे जीएस के एक्सपर्ट ने जीएस के बारे में बताया है, मैं खुद रीजनिंग के कई सारे वीडियो डाल चुका हूं, उन वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। पुराने पेपर को सॉल्व करवाया है हमने, अब पुराना पेपर कौन सा सॉल्व करवा रहे, फॉरेस्ट का तो कोई पेपर ही नहीं हुआ है,
तो कौन सा सॉल्व कराएंगे, तो उसपे भी अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि जीएस में आपको ये चीजें कवर करनी थी, लेकिन गिने चुने आपके पास शायद बचे हैं। आज का भी दिन निकाल दो बेटा तो 5 दिन बचे हैं, उन 5 दिनों में आप क्या ही जीएस पढ़ोगे। तो बेहतर है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? मॉक टेस्ट दीजिए या लाइव टेस्ट दीजिए, यही आपका बेड़ा पार करा पाएगा जीएस में। यही आपका एक तरीका है जो बेड़ा पार करा पाएगा जीएस में, यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर लाइव टेस्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ आने वाला है कितने का? 20 नंबर। ये 20 नंबर जो है वो अर्थमेटिक का ही आएगा, ये भी याद रखना। अर्थमेटिक में जैसे क्या क्या आ सकता है, लाभ हानि आ सकता है, ठीक है, लाभ हानि। और क्या आ जाएगा आपका? प्रतिशत आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा, मतलब ये सारे चैप्टर जो अर्थमेटिक के हैं वही आएंगे। अभी 20 नंबर की तैयारी के लिए क्या करें? तो भैया देखो आपका जो पेपर है वो ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस के लेवल का ही पेपर आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पुराना पेपर उठा लो और पुराने पेपर को एक बार मैथ के सारे क्वेश्चन लगा जाओ। अगर हम मैथ के सारे क्वेश्चन पुलिस वाले पेपर का लगा लिए तो आप समझिए कि आपका मैथ का 20 नंबर पक्का हो गया। मैथ का 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अर्थमेटिक सेक्शन आपको लगाना है, यूपी पुलिस के पेपर के सॉल्व कर लीजिए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट 55 नंबर की। ये 55 नंबर ऐसा है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे 55 अगर ला दिए तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब पूरी की पूरी कहानी जब बदलनी है तो रीजनिंग स्ट्रांग करनी है। अब रीजनिंग कैसे स्ट्रांग करें, बात तो ये है, मैं खुद रीजनिंग का टीचर हूं, मैं खुद जानता हूं, मैं खुद पेपर एक्सपर्टों के साथ बैठा हूं, लोगों से बात करता हूं, आयोग के लोगों से मिलता हूं, तो मैं जो आपको बताऊं कि रीजनिंग के पेपर के बारे में, तो देखो अगर इस पूरे सेट में अगर कोई पेपर कठिन होने वाला है ना तो वो या तो जीएस होगा या तो रीजनिंग होगा। मैथ कठिन नहीं होगी, हिंदी कठिन नहीं होगी, हिंदी और मैथ तो आप कर ले जाओगे अगर जितना बताया उतना कर लिए। पुराने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को अगर आप लगा लिए तो आपकी मैथ और हिंदी ये दोनों क्या हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, अच्छे से आप कर लेंगे। लेकिन कहानी फंसेगी जीएस और रीजनिंग में। जीएस के लिए मैंने आपको क्या बताया, मॉक टेस्ट को, लाइव टेस्ट को, क्योंकि इन 6 दिनों में और कुछ बचा नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज क्या है, अगर आपको जीएस करना है ना तो अनअकैडमी ऐप सबसे बेस्ट ऐप है। अनअकैडमी जो ऐप है ना वो सबसे बेस्ट ऐप है। ये मत समझना कि मैं अपने ऐप का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आपके आपकी गारंटी सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तब मैं अनअकैडमी का नाम ले रहा हूं। एकदम मत सोचना, अगर आपको इससे बेस्ट कहीं और मिल जाए तो वहां पढ़ सकते हो, लेकिन हमारी जानकारी में जो है वो मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी ऐप पे चले जाइए। अनअकैडमी ऐप पे फ्री में जो स्पेशल क्लास हो रही है, फ्री में, इसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 6 दिन के लिए पैसा लगा दो, 6 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं, स्पेशल क्लास जो होती है बिल्कुल फ्री होती है अनअकैडमी ऐप पर। जाइए देवी प्रसाद पांडे नाम से, देवी प्रसाद, मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूं, ठीक है, ये प्रोफाइल है देवी प्रसाद पांडे के नाम पे, ये प्रोफाइल पे जाइएगा, ठीक है। और इनकी जो फ्री क्लासेस है, जो फ्री क्लासेस है, कौन सी फ्री, मतलब स्पेशल क्लास जो है, स्पेशल क्लास में मैंने क्या किया है, जीएस पूरा का पूरा जो जीएस है वो कवर कराया है। और इस जीएस में मैंने यूपी का सेक्शन भी करवाया है, यूपी का सेक्शन। तो बस जाके आपको क्या करना है ना, इस प्रोफाइल पे जाना है, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी वाले कैटेगरी पे, और मेरे स्पेशल क्लास पे जाना है, पेड वाले पे मत जाना है। 6 दिन में आपका कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होगा, ठीक है, आप पेड वाले पे जाओगे पैसा दोगे कोई मतलब नहीं है। स्पेशल क्लास फ्री वाली जो क्लास है वहां जाइएगा, और वहां पर यूपी सेक्शन वाला जितना भी मैंने जीएस का एमसीक्यू कराया है, क्या करवाया है, एमसीक्यू, बस जाके 6 दिनों में रट जाइएगा पूरा पूरा, एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी से पेपर आपका फंस जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। यही आपको करना है, क्या करना है, मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा, यहां पर स्पेशल और फ्री क्लास में जितने भी एमसीक्यू मैंने करवाए हैं उन एमसीक्यू को एक बार देख लीजिएगा, एक बार सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 6 दिन में ना 60 वीडियो देख लीजिए, इसी में से आपका जीएस आ जाएगा, 22 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आप जीएस के लिए कर सकते हैं। हिंदी आपकी,
हिंदी के लिए मैंने क्या बताया, पुराने पुलिस का पेपर ले लीजिए, पुराने पुलिस का पेपर ले लीजिए, यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में मैथ और हिंदी पूरी लगा दीजिए। हिंदी के यूपी पुलिस का जो पेपर, देखो आखिरी 5 दिन बची है, अगर इस आखिरी 5 दिन में झंडा गाड़ना है, अगर आप जेल वार्डन सिलेक्शन चाहते हो तो जो गुरु मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र पे अगर काम कर गए बेटा तो तुम जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन चरण छूलोगे, बोलोगे गुरु जी हो गया बेटा पार, जो बता रहा हूं बस इतना कर लेना मेरे कहने पर। क्या करना है, यूपी पुलिस का पेपर उठा लो, यूपी पुलिस के पेपर में जो मैथ है और जो हिंदी है वो लगा डालो, बस इतना काम कर लो। अब बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग कैसे करेंगे, तो रीजनिंग में देखो मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में इसी लेफ्ट क्रैक यूपी इसी चैनल पे जिसके आप अभी वीडियो देख रहे हैं इस पे पहले तो सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बता दें इसी के नीचे मेरे ही नाम पे प्रिंस सर का रीजनिंग के जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो सारी वीडियो घड़ी कैलेंडर राइटिंग सिलॉजिज्म देख लीजिए और साथ में यूपी पुलिस के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। फायदा क्या होगा, यूपी पुलिस से यह मालूम चल जाएगा कि सवाल कैसे आता है, यूपी पुलिस से यह मालूम चल जाएगा कि सवाल कैसा आएगा, और मेरी वीडियो पढ़ के आप ये पता कर लोगे कि सवाल हल कैसे करना है। मेरी बात समझ रहे हो, यूपी पुलिस के पेपर से तो ये मालूम कर लोगे कि सवाल कैसे आएगा, और मेरे वीडियो से जो रीजनिंग का वीडियो मैंने इसमें यूट्यूब पे डाला है वहां पे आप देख लेंगे, नीचे मैंने इसके लिंक भी शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पे ही सारी रीजनिंग की क्लास आपको मिल जाएगी। एक बार आप बैठ के रात में इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ के देख डालिए, आपको यूपी पुलिस से मालूम चलेगा कि सवाल कैसा आना है और इस वीडियो से मालूम चलेगा कि सवाल को जल्दी चुटकियों में कैसे हल करना है। ठीक है, अभी जाते जाते बताऊंगा कि किस टॉपिक से सवाल ज्यादा आने के चांस है, तो ये तैयारी आप इस तरीके से करिए बेटा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लिख के ले लो। आगे चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट, पहले था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी लेकिन अभी सरकार के नए नए हमसे हो गई गलती, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। आपका फायदा हो गया, आपका फायदा कैसे हो गया, जब नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई तो इसका मतलब 25% की नेगेटिव मार्किंग हो गई, मतलब अगर आप 4 सवाल गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट गया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऐसी चीज होती है कि जो जब आती है तो अपने तो जाती है साथ में होता है ना कि हम तो सनम डूबेंगे हम आपको भी लेके डूबेंगे, वही वाला हिसाब किताब नेगेटिव मार्किंग का होता है, ये तो डूबती है प्लस आपके सही वाले को भी डुबा ले जाती है। इससे कैसे बचे, तो सबसे पहली चीज कि जो सबसे कंफर्म वाला आपको आता हो ना वही करना, जो आपको सबसे कंफर्म वाला आता हो वही करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको लगे कि कंफर्म वाला बहुत कम आ रहा है फेल हो जाएंगे तब आप उन क्वेश्चनों को करना जिसमें आपको सबसे 90% आपको लगता है कि नहीं ये सही हो सकता है। भैया कभी भी जो काम नहीं करना है वो क्या करना है, तुक्का नहीं मारना है, कभी भी तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम वो लोगों ने भरा है जिन लोगों ने तैयारी करना बंद कर दिया था, या मैक्सिमम उन लोगों ने भर के छोड़ दिया था जो भूल जाए कि पेपर है, इसलिए कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है, लेकिन आपको क्या नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है, कंफर्म वाला सवाल करना है और जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है वो सवाल आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके कट ऑफ को कंट्रोल करती है, नेगेटिव मार्किंग क्या करती है, आपके कट ऑफ को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन जब कर लोगे तो उसमें गलत भी करोगे सही भी करोगे सब कुछ करोगे। जब पेपर देने बच्चा जाता है ना तो उसके दिमाग में क्या होता है, जब वो पेपर दे रहा होता है तो अपने घर पे जब घर से जब निकला होता है पेपर देने तो मम्मी पापा सबको फोन करके निकला होता है, आशीर्वाद लेके निकला होता है, टीका उका लगा के निकला होता है, मंदिर में पूजा करके निकला होता है, तो जब वो जाता है पेपर देने तो उसको जब लगता है कि हमसे क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो भगवान का नाम लेता है,
और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारा आज हमारा दिन है, हो सकता है यही हमारा आखिरी पेपर हो, आज मैं जितना तुक्का लगाऊंगा सब सही बैठ जाएगा। यही सोचो कि हमने माई बाप से आशीर्वाद लेके आए, लेकिन उसको ही समझ में नहीं आता है कि जितने लोग यहाँ पेपर दे रहे हैं सब अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेके आए, उस सब पूजा करके आए, तो आज सबके दिमाग में इसका थॉट आ रहा है, तो बेटा तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आएगा दिमाग पे कि आज मैं सारे क्वेश्चन पे तुक्का लगा लेता हूँ, हो सकता है सब सही हो जाए और मैं जेलवाड़न बन जाऊं, ऐसी गलती जिंदगी में कर मत देना, डूब जाओगे बेटा। तो ऐसा कोई भी प्रेशर दिमाग पे आए तुरंत अपने अगल बगल देख लेना और समझ जाना कि ये सब वो सब काम कर रहे हैं, तो जो सब कर रहे हैं वही हमें नहीं करना है, तो आपको तुक्का नहीं मानना है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी काम आपका बन जाएगा। कितने अंकों पर हो सकता है सिलेक्शन, देखो तीन कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है और एससी एसटी है। अगर हम बात करें तो आपके पास क्वेश्चन कितना है, 150 क्वेश्चन है, नंबर कितने हैं, 300 नंबर है। अगर हम नंबर पे बात करें, नंबर पे अगर हम बात करें तो जनरल वालों को अगर सुरक्षित होना है तो ये मान के चलना 210 नंबर अगर आपका सही है तब आप सुरक्षित हैं, ठीक है। 210 नंबर अगर सही है तब आप सुरक्षित है। 150 क्वेश्चन में आपको 210 नंबर लाना है, मतलब कितने नंबर, कितने सवाल आपको करने हैं बताइए, सोच के बताइए, 100 से ऊपर सवाल, ठीक है, क्योंकि जब आप 100 सवाल करेंगे तो 100 गुणे 200 नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको लगभग 105 सवाल क्या करना है, सही करना है, 105 सवाल सही करना। जब आपको लगे कि आप 105 सही कर लिए हो उसके बाद एक रुपये का तुक्का मत लगाना बेटा, एक रुपये का तुक्का मत लगाना, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, कम भी हो सकता है ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लड़के और लड़कियों का कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ओबीसी की हम बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 190 से 95 में कट ऑफ की जाएगी। एससी एसटी की कट ऑफ, एससी की अगर हम बात करें तो 175 जाएगी और एसटी की अगर हम बात करें तो 150 के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक है। यही कट ऑफ की आपकी रेंज होनी है, इसी कट ऑफ में आपको जूझना है। तो 210 नंबर कैसे आएगा, जब आप अभी 7 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, पुलिस का पेपर उठा के लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आप खुद ही जोड़ना कि आपका 210 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 210 से जब ऊपर आए तो समझ जाना कि आप तुम तैयार हो एग्जाम देने के लिए और चले जाना माँ का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करें अनअकैडमी प्लस की, क्योंकि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं पढ़ा है तो अनअकैडमी प्लस पे आप आएंगे जब, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी। यहाँ पे तो कम टाइम में आपको जेलवाड़े के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अगर अनअकैडमी पे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेस पढ़ना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो ये एडमिशन ले सकते हैं यूपीपीएससी UP SSC में, तो ये मेरा कोड है और इस कोड से अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उससे ये मैंने प्रोफाइल के बारे में बताया, अभी तुरंत जैसे वीडियो आपने देख लिया ना, वीडियो के देखने के बाद तुरंत इस प्रोफाइल पे जाइएगा और इस प्रोफाइल पे इस नाम पे जाके सारी जीएस की जितनी भी मैंने वीडियो डाली है वो सब फ्री वाला देखना, पैसा वाला देखने की जरूरत नहीं है, पैसा वाला देखने की जरूरत नहीं। प्रेम वर्मा, प्रियांशी द्विवेदी, ठीक है, जाके देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद ये जो ये भी कुछ फ्री क्लासेस हैं, इसी तरीके से आपको मिलेंगी, ये फ्री क्लासेस है, इसी तरीके से मेरी क्लासेस भी आपको जीएस की मिलेगी, जाके आप देखिएगा कहां पर, यूपीपीएससी UP SSC कैटेगरी में, ठीक है बेटा। चलिए अनअकैडमी आपको क्या देता है, अनअकैडमी पे जब आप ये पेपर दे लीजिएगा तो शांति से सोचिएगा कि अगर हम ढंग से पढ़ लिए होते 6 महीने 8 महीने 10 महीने तो हमारा सिलेक्शन, हम इतने टेंशन में नहीं होते, हमारा सिलेक्शन प्रॉपर हो जाता। अब प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आपको एक जगह पर आराम से पढ़ना पड़ता है, जहां पर आपको सही तरीके से गाइड किया जाए, जहां पर आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए, सही चीजें आपको बताया जाए, और वो चीज अनअकैडमी करती है। तो आप अनअकैडमी में जब आएंगे तो आपको इंडिया का बेस्ट एजुकेटर मिलेगा, डेली इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, पीडीएफ दिया जाएगा और आपको लाइव टेस्ट कराया जाएगा। ये सारी चीजें आपको डेली कराई जाती है। जब ये चीजें आपको डेली होंगी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो आपकी शादी होगी, शादी होगी
फिर आगे बहुत कुछ होगा, ठीक है। अगर आइकोनिक प्लान की अगर हम बात करें, आइकोनिक प्लान आपको देता है क्या? पर्सनल कोच देता है। आइकोनिक प्लान अगर लेते हैं, ये सिविल सर्विस में दिया जाता है, सिविल सर्विस वाले तैयारी जो करते हैं उनको एक आइकोनिक प्लान लेना होता है, उसमें एक व्यक्तिगत आदमी उनको दिया जाता है जो पर्सनल उनका कोच होता है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, देखो उनका अपना व्यक्ति एक तो टीम का कोच होता है, लेकिन हर क्रिकेटर का एक उनका पर्सनल कोच होता है जो उनको पर्सनल गाइड करता है। तो इसी तरीके से आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, एक ऐसा व्यक्ति परमानेंट आपके लिए दे दिया जाएगा जिससे आप जब चाहे गाइड लें, जो सब्जेक्ट चाहे पूछे, जो चीजें आपसे जाननी हो जाने, मोटिवेट होते रहे, कहानियां सुनते रहे। और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा? ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का और 12 महीने का। 12 महीने की फीस जमा करिएगा, बहुत सस्ती पड़ेगी। कैसे? 12 महीने की फीस 7,000 रुपए पड़ेगी, और 12 महीने की फीस 7,000 है। अगर आप कोड यूज करेंगे SPDEVI तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में आप पूरा 1 साल पढ़ सकते हैं, सारे विषय पढ़ सकते हैं, सभी टीचरों से पढ़ सकते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोगों से आप पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे पसंद नहीं आया कि नहीं यार ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। हमारे जहां उनसे अच्छे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, उनसे पढ़िए, तीसरे से पढ़िए, चौथे से पढ़िए, बहुत सारे विकल्प होंगे, जिससे आपको समझ में आए उससे पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई नहीं समझा सकता, और अगर आपको किसी से समझ में ना आए तो समझ लेना कि आप फिर गए, आपका बेड़ा पार हो गया। अगर आप 2 साल का लेना चाहते हो, 2 ईयर्स का, तो 8,400 है फीस। सेम कोड यूज करेंगे, वही डिस्काउंट, और फीस आपके 7,000 रुपए में हो जाएगा, मतलब 315 रुपए महीना में आप 24 महीने पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका अनअकैडमी पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको नई नई खबर देते आऊंगा बेटा, आप समझते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं टॉपिक भी लेके आऊंगा कल से पढ़ाने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। 10DP मेरा कोड है, याद रखिएगा। बेल आइकन को जब आप दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।